बिलासपुर में रिटायर्ड महिला शिक्षक को कम ब्याज में लोन दिलाने के नाम पर 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिटायर्ड महिला ने 2016 में विज्ञापन देखकर राजस्थान के जयपुर स्थित मैग्मा फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए आवेदन किया था। वहीं मकान बनाने के लिए 5 लाख के लोन के आवेदन पर कंपनी से जुड़े लोगों ने फोन कर प्रोसेसिंग फीस के लिए कई बार रकम मांगी। इस पर शिक्षक ने फोन करने वाले के बताए नंबर पर रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद 2 साल तक लगातार वो प्रोसेसिंग फीस के लिए 30 बार और लोन के लिए 17 बार उनके बताए गए खातों पर रकम ट्रांसफर करती गई। इतने ट्रांजेक्शन करने के बाद भी जब उन्हें लोन नहीं मिल सका तब जाकर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। दरअसल फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों ने रिटायर्ड शिक्षक से लगातार 4 साल तक रकम वसूली। वहीं फ्रॉड करने वाले रकम लेने के बाद पहले जमा कराए गए रुपए भी वापस करने का आश्वासन देते थे। इस पर महिला उनके बताए गए नंबर पर रकम डालती रही। 4 साल तक रुपए देने के बाद महिला को धोखाधड़ी की जानकारी हुई, जिसके बाद वह थाने पहुंची।